हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है रियलमी एक्स और रियलमी एक्स में आ गया है नया अपडेट। और नया अपडेट जो है वो है 8.10 का। मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे अगर अभी तक अपडेट नहीं आया है तो मिल जाएगा। अगर आपको वेट नहीं करनी है उसकी, तो मैं मैनुअल लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ, तो आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कलर वाइज 6 चल रहा है और 8.10 आ गया है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं इनके द्वारा, वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ क्या है। पर वैसे ऐड बहुत कम चीज़ें की हैं इस बार जो अपडेट आया, इतना ज़्यादा खास नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही। कुछ फिक्सेस यहाँ पे किए गए हैं, जो कि उनमें से कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी। कुछ चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी, पर कुछ यूज़र्स को आ रही थी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, इस अपडेट के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने कलर वाइज 6.10 यहाँ पे कर लिया है, भर लिया है, रात को आया था। और अभी सुबह उठते ही मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज़, अभी मैं आपको सिर्फ फीचर्स बताऊंगा, उसके बाद इसको मैं अच्छे से टेस्ट करूंगा यहाँ पर। मैं आपको उसके बाद मैं देखता हूँ कि रिव्यू दूंगा, अगर कोई बग्स वगैरह निकलते हैं तो पक्का से मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आप दिखा देता हूँ फीचर्स एक्चुअली है क्या। तो मैंने यहाँ पर फीचर्स को सेव कर रखा है। पहला यहाँ पर ये बताते हैं कि हमने नवंबर का सिक्योरिटी पैच दे दिया है। तो मैं आपको फटाफट से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नवंबर का सिक्योरिटी पैच आ गया है कि नहीं आया। तो अबाउट फोन में जाऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आप देख सकते हो नवंबर 5, 2019 यहाँ पे हो चुका है। तो ठीक है यार, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिल गया है, जो कि मेरे को अच्छी बात लगती है कि रियलमी यहाँ पे ना सिक्योरिटी पैच बहुत टाइम से देती रहती है। तो बढ़िया बात है यार, हमारा रियलमी एक्स एकदम नया नया लगता है, सिक्योरिटी वाइज बढ़िया रहता है, सिक्योर रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँगा, क्लिक द ब्लैक एरिया टू बैक टू द लॉन्चर ऑन रीसेंट टास्क इंटरफेस। तो होता क्या था, जब हम यहाँ पे रीसेंट ऐप्स खोलते थे ऐसे करके, जब ये ऐप्स खुल जाती थी तो यहाँ पर अगर हम ब्लैंक जगह पे अगर टच करते थे ना, कुछ होता नहीं था। अब अगर आप यहाँ पे ब्लैंक एरिया को टच करोगे तो ये होम स्क्रीन पे चल जाएगा। यानी कि अगर आप किसी ऐप के अंदर हो, अगर आपको ये होम बटन नहीं दबाना, इट्स ओके। अगर आप ये करके ये भी कर दोगे ना, यहाँ पर टच कर दोगे, तो भी आप होम पे पहुंच जाओगे। तो इन्होंने ये चीज भी ऐड कर दी है। उसके बाद अगली चीज मैं कहूंगा, नोटिफिकेशन सेंटर में स्टेटस बार में डार्क मोड के लिए टॉगल स्विच दे दिया है। अगर आपको डार्क मोड ऑन ऑफ करना है तो आपको अंदर सेटिंग्स में आने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही क्विक टॉगल्स में डार्क मोड दे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे डार्क मोड अपना ना दिखे तो इस बटन को दबा दीजिएगा और उसके बाद सारे के सारे टॉगल्स आ जाएंगे। डार्क मोड नीचे होगा, उसको पकड़ के ऊपर ले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क मोड इनेबल है, इसको दबाओ। आपका यहाँ पे दोबारा से मैनुअल नॉर्मल मोड में आ जाएगा, इसको वापस से दबाओ, आपका डार्क मोड ऑन हो जाएगा। और डार्क मोड अभी भी ग्रे कलर में है, कोई ब्लैक बिल्कुल एकदम पिच ब्लैक नहीं कर दिया गया, जो कि मैंने आपको बोला था पिच ब्लैक नहीं है, ग्रे मोड में आ रहा है। अभी भी ग्रे मोड ही है गाइस, पता नहीं ये कब ब्लैक करेंगे। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ग्रे के साथ ही स्टिक करने वाले हैं। चलो कोई नहीं, वैसे ग्रे के बाद मैंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ग्रे में भी बैटरी सेव होती है। बट यार, जो पिच ब्लैक का मजा है ना एमोलेड के ऊपर, वो ग्रे कलर तो नहीं दे पाएगा, ये आप भी मानते हो। अब मैं बताता हूँ आपको अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ ये है, कॉल्स आने के ऊपर फ्लैश का फीचर दे दिया है। चलो ये अच्छी बात है, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको फिक्सेस बता देता हूँ क्या क्या फिक्सेस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। पहला जो यहाँ पे फिक्स ऐड किया गया है वो है व्हाट्सअप के रिगार्डिंग। व्हाट्सअप का जो हमें अपनी चैट सही से नहीं दिखती थी, वो इन्होंने कह रहे हैं कि ठीक कर दिया है। तो चलो व्हाट्सअप में देख लेते हैं क्या है। पहले व्हाट्सअप में अपनी वाली चैट नहीं पढ़ होती थी, सामने वाले का मैसेज पढ़ लेते थे हम। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ तो देखो यार, इस वक्त इन्होंने व्हाट्सअप के जो मैसेजेस है उसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, अपने मैसेजेस भी हम पढ़ पा रहे हैं। सामने वाले के तो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं, हमारे वाले ग्रीन के अंदर जो व्हाइट है ना, वो व्हाइट को डार्क कर दिया गया है। आई थिंक ये ग्रे कलर कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये देखना शुरू हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि व्हाट्सअप में हमें मैसेजेस दिख रहे हैं। पर मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, मैंने जीमेल में जो आपको बताया था कि जीमेल में भी अगर आप कंपोज करते हो तो अभी प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। तो यहां पर मैं जाता हूं, यहां पे कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूं, तो देखो यार अभी भी वही प्रॉब्लम है डार्क मोड के अंदर, कि हमें जीमेल के अंदर अभी भी हम क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं वो अभी भी नहीं दिखता है। तो ये जीमेल के अंदर कब जाएगी ये प्रॉब्लम, मेरे को नहीं पता। मतलब मेल लिखते हुए कभी कभी यार गलती हो जाती है यार, वो गलती हमने क्या कर दी हमको पता भी नहीं चलेगा हमने लिखा क्या है। तो हमको ऊपर जाके पहले डार्क मोड को ऑफ करना होगा, उसके बाद अपनी मेल देखनी होगी, फिर दोबारा डार्क मोड ऑन करेंगे, ये बहुत ही अजीब चीज़ हो जाएगी। तो जीमेल का भी यहाँ पे फिक्स लेकर आए हमारा रियलमी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद यार वीचैट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी डार्क मोड का प्रॉब्लम था, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, तो चेक कर लेना यार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये कहते हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिक्स कर दिया इन्होंने वॉल्यूम लोअर व्हेन प्लेइंग म्यूजिक आफ्टर पावर सेविंग मोड टर्न ऑफ द डॉल्बी।
ठीक है। तो ये वाली चीज़ है यार, एक बार टेस्ट कर लूँगा मैं और मैं आपको बताऊँगा अगर इसमें अभी तक बग या जो है गया है कि नहीं गया। अगली चीज़ जो देते हैं वो फिक्स कर दिया गया है, टच नॉट रिस्पॉन्डिंग इशू आफ्टर द एग्जिट गेम। तो यार गेम खेलने के बाद मेरे को कईयों ने बोला भी यार टच रिस्पॉन्स के इशू आ रहे, मैंने तो अभी तक कोई नोट नहीं किया था, अब देखता हूँ इन्होंने वापस दे दिया तो नहीं है। पर जिसको यार प्रॉब्लम आ रही थी वो एक बार देख लेना कोई प्रॉब्लम गई है कि नहीं गई अगर आपने अपडेट कर लिया है तो। बाकी फिक्स इशू कर दिया इन्होंने डाउनलोड स्टिकर्स करते हुए, अगर ये आपका जो है कनेक्शन फेल दिखाता था वीपीएन यूज़ करते हुए तो वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार टेस्ट कर लेंगे, बाकी ये सारे फीचर्स हमें इस अपडेट में देखने को मिले हैं। मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें एक बार खुद से बड़ी तरीके से टेस्ट करता हूँ और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में वीडियो डालूंगा। अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है, अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो यार नीचे से मैनुअल लिंक से कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना था, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं टेक स्वामी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। और अपना और अपने चैनल वाले रखिए ख्याल, किस पर ऑलवेज टेक गाइस, बाय बाय।